नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। उमा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सुबह के बजे हैं 5:30 और आज मुझे साहिल को जगाना नहीं पड़ा और साहिल उठ गया है। और उठ के क्या कर रहा है आप लोगों को दिखाती हूँ। आज साहिल, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। पूछो क्यों? क्योंकि आज तुम जल्दी उठ गए हो बिना जगाए। अच्छा, वैसे रोज जगाना पड़ता था क्या? क्यों, जगाती नहीं थी? कितनी बार जगाती थी तब उठते थे? पता है, मेरे को तो होश ही नहीं रहता था। अच्छा, आज इतनी जल्दी क्यों उठ गए तुम? उठ गया, आज कुछ स्पेशल चीज बननी थी। तो तुमको कैसे पता कि क्या मम्मी बना रही है स्पेशल चीज तुम्हारे लिए? किचन में आलू रखे थे। अच्छा, तो किचन में आलू रखे थे तो सोते समय तुम्हें कैसे पता चल गया? पता चल गया, सुसु करने के लिए उठा था तो देखा था। अच्छा, फिर लेटे नहीं हुए ना? तो दोस्तों, उठ गया, पूरा बिस्तर सही कर दिया। मुझे आज बिस्तर भी नहीं सही करना पड़ा। मेरा छोलू, मेरा पुल्लू, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। पलटा क्यों बोला करता है? दोस्तों, बहुत बार जगाना पड़ता है तभी उठता है। और आज बना रही हूँ मैं आलू की पराठा। तो ये उठा होगा पेशाब करने के लिए, किचन में गया है, देखा है तो फिर लेटा नहीं, नींद गायब हो गई ना सर? हाँ, नींद खुर से कबूतर में चिट्ठी लगा दी थी और नींद उड़ गई। नींद उड़ गई। चलो ये देखिए दोस्तों, कितने अच्छे से बिस्तर सही किया है। जैसे मैं मच्छरदानी बांधती हूँ वैसे मच्छरदानी बांध दिया, जैसे तकिया रखती हूँ वैसे तकिया रख दिया, कम्बल घरे आ दिया। लग नहीं रहा है कि मेरे शल्लू ने बिस्तर सही किया। चलो उठो, आ जाओ। चलो आओ, चाय दो। ब्रश कर लिया? कर लिया बुरुश। कर लिया बोरस। आहो, अरे तुम कहाँ जा रही हो? खेल रही है। खेल रही हो क्या? अरे तुम्हें क्या चाहिए? ये भी बहुत खुश हो रही है कि आप साहिल इतनी जल्दी से क्यों उठ गया है? क्या कर रहा है? मैगी देख रहा हूँ, स्क्वायर तो नहीं आता। तुम लाए हो, देख के नहीं लाए हो क्या? तुम क्या है करने में लगे हो मैगी में? मैगी आज बनाओ ना। मैगी बनाएंगे खा के जान? मैगी ना बनाओ, पराठा बना रहे हैं तो काहे बना रहा है? मैगी खा के जाऊंगा पराठा ढेर सारी। नहीं ना बनाओ, पराठा खा के जाना और लेके भी जाना। काहे बना रहे हो? बना ले। चाय के साथ 2 गिलास खाऊंगा। क्या? अरे मतलब 2 गिलास पीऊंगा चाय और 4 पराठा खाऊंगा। 4 पराठा खाएगा और 2 गिलास चाय पिएगा साहिल? तुम सो गए थे, पापा रात में फोन किए थे, आज आ जाएंगे पापा। तो मैं बम्बा चले जाऊं, वहीं पे खड़े रहूंगा, एक पल्टी पॉपर ले लूंगा, जैसे आएंगे बूम। अच्छा, लेने जाओगे? हाँ, तुम आ नहीं पाएंगे ना, फालतू में किराया लगेगा ना। अच्छा, तो दोस्तों देखिए, उसको नारंगी का रस पिला रहा है, खट्टा लगता है साहिल। मीठा हो गया ये। ना पिलाओ, नुकसान ना कर जाए उसको। ना पिलाओ उसको, ना पिलाओ, दिक्कत ना हो जाए। क्यों, तुमको कैसा लगा? मैं सोचा ये लाल है ना तो मीठा होगा, इस वजह से। चलो चाय गर्म हो गई है। यो, क्या कर रहा है? मार ला, मैं कर दूंगी अच्छे से। चलो, छान रहा है क्या? हाँ छान रहा। अच्छा, चाय छान। अबे वो किस पे पीऊंगा? इस पे। इस पे? इस पे। वहाँ क्या कर रहा है? आज मैं दूध वाले कप से चाय पीऊंगा, इससे इससे नुकीले से। नहीं, उससे नहीं बनेगा पीते। अच्छा, चाय छान रहा है मेरे लिए भी, अपने। अरे यार, सब फैल गई क्या? फैला दिया तो फैल गई। सर पापा नहीं है ना तो चाय पीने को अकेले मन नहीं करता है, मजा नहीं आती अकेले। तो क्या हुआ, मैं तो हूँ चाय। तभी तो जल्दी उठ गए। अरे बाप, समझदार है। कल शाम की बोल रही थी ना, सर पापा नहीं है ना तो अच्छा नहीं लगता है, चाय पीने को मन नहीं करता मुझे, पापा के साथ चाय पीती पड़ी है। तो आज सर मेरे साथ चाय पिएगा। पता है साहिल, आज पापा आ जाएंगे कि कल आ जाऊंगा मैं 10-11 बजे तक। तो मैं 10 बजे हाफ देने के आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि पापा मेरी घड़ी लेने जाएंगे ना। घड़ी लेने कल संडे को जाएंगे ना?
ठीक है दोस्तों, मैं वो टच वाली घड़ी खरीद रहा हूँ जिससे फोन हो जाता है। ले लेना अभी, काम चलाओ। दोस्तों मैं बन गया पापा, क्योंकि पापा पीते थे कम में चाय। अच्छा, चाय बन गया पापा मेरे साथ बैठ के चाय। दोस्तों बिट्टू के पापा गए थे शादी में, अपने चाचा के लड़के की शादी में। तो जहाँ शादी में गए थे वहाँ से मेरी बहन का ससुराल पास में पड़ता है, तो सालों हो गए थे गए नहीं थे, तो वहाँ भी चले गए हैं घूमने। कल गए थे छह साल हो गए। अच्छा, अरे मौसिया बार बार फोन कर रहे थे ना पापा को, आ जाइए पास में, लेने भी पहुंच गए, इसलिए चले गए, नहीं कौन जाता है। ये देखिए ये भी यहाँ बैठ गए, इनको भी खाना चाहिए। दोस्तों जा रहे हैं हम और साहिल चाय पीने। कहाँ जा रहे हैं? चाय, चाय पीजिए। कहाँ जा रहे हैं चाय पीने? मतलब चाय पी रहे हैं। अच्छा। ये पागल हर बात में मेरी दोस्तों, हमने और मम्मी ने पी ली है चाय। दोस्तों मैंने पानी की रबड़ भी लगा दी, नहा भी लिया, मम्मी का बिस्तर भी लगवा दिया, और मम्मी यहाँ पे बना रही है पराठा, और मैंने आपको बहुत सारा काम करवाया है। आज मुझे बिस्तर नहीं सही करना पड़ा, पानी वाली रबड़ नहीं लगानी, बाहर धुलाई भी करी है, एक कमरे में पोछा भी लगाया है। ऐसे लगा रही, काम नहीं कट रहा है, तो पुलाव लगा दे फिर पराठा बनाए। कर रही थी, पापा नहीं है ना तभी शायद पापा वाला काम किया है। हाँ। पापा रोज लगाते थे ना पानी वाली रबड़, कभी कभी मुझे लगाना पड़ता। कितने बनाने पराठा? दो रख दो, तीन दो ही खा पाएगा, क्यों दो रख दो, ज्यादा ज्यादा एक आधू रख दो। दोस्तों मैंने साहिल के लिए पराठा बना दिया, टिफिन लगा दिया, और यहाँ पर साहिल हो रहा है तैयार। बड़ा कर रहा था मैं बेल्ट खोसना। क्यों लगता नहीं इनका जल्दी? अरे सही से मटक मटक के इस बार सही करना पड़ता है। क्यों मटको ना तो सही ना हो, गड़ता है यहाँ पे, टाइट हो रहा होगा ना। लो ला। दोस्तों आज पापा का टिफिन देखने को मिला, छूने को सॉरी मिला, छूने को मिला। जिस दिन पापा की छुट्टी रहती है तो साहिल पापा का टिफिन लेके जाता है। तुम्हें पापा वाला ही टिफिन क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि ये लंबा लंबा है ना, और ये जगह कम घेरता है। पापा की रोटी वाला है ना। पापा के बैग में ज्यादा जगह घेरता है, मेरे बैग में कम घेरता। पापा तीन लेके जाते हैं ना। दोस्तों साहिल के लिए मैंने पराठा बना दिया, और अपने लिए नहीं बनाया है, लंबा बना दूं तब बनाऊंगी गरम गरम। देखिए दोस्तों मेरे पोछा की बाल्टी रखी हुई है अंदर कमरे में, पोछा लगाने के लिए वहाँ मैंने बाल्टी रख दी है, दो कमरे में पोछा लगा लिया है, टाइम नहीं कट रहा था, मैं कल आप पोछा लगा रहा हूँ। मैं कैंची से काट दे रहा हूँ टाइम। किसका? मेरा। अरे नहीं कटता है शल्लू। दोस्तों इसकी ड्रेस धोले धोले में परेशान हो जाती हूँ, देखी कितना पैंट संधा है मिट्टी से, जूते संधे, रोज ड्रेस संधा के ले आता है। नाले से चल के जा रहे, बहुत रोड गंदी है, बहुत कचरा रहता है। दोस्तों साइड में रबड़ लगा दिया पानी वाली, पानी मेरा भरता जा रहा है। आज जब से उठा ना तो जान कितनी बार बोला है, आज मैंने बिस्तर सही किया है मम्मी, रबड़ लगाया है मम्मी पानी वाली, मैंने बहुत सारा आज मैंने आपका काम किया है, अपनी बड़ाई अपने कर रहा है। दोस्तों मैं हो गया हूँ तैयार, सब लोग कमेंट में बताइएगा मैं ड्रेस में कि अच्छा लगता हूँ कि गंदा लगता हूँ, कबाड़ी बेचने वाले तो नहीं लगता हूँ। जल्दी बोतल भरो। देखो दोस्तों मैं इतना बड़ा, मम्मी मेरे को इतनी छोटी बोतल देती, वैसे कम पानी भरती है, मैं ये बोतल मारूंगी, अपने ही बोलता है कि यही लेके जाऊंगा मैं, उसी में मैंने भर दिया, रोज लेके जाता है, भर के तो नहीं बोलता, आज मैं भर रही हूँ बोतल, देखती खाना चाहिए। हाँ। अभी दूंगी रानी, खाना चाहिए, आ जा। क्या हो गया? कबाड़ी बेचने वाले लगता हूँ। नहीं अच्छे लगते हो, कबाड़ी बेचने वाले क्यों लगते हो? क्योंकि
ये वो कितनी मच्छर आ दैया 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 भाग जाए तो दिमाग का भैया जैसे यार काम करना भूल गया खुश रहो भगवान खूब सारी बुद्धि दे पढ़ने में लगे जा बाय शायर गया स्कूल अब जा रही हूँ रानी को दे दूँ खाना फिर कर लूँ जल्दी से काम गरम गरम पानी आ रहा है आज कोहरा कोहरा लग रहा है आ जाओ तो ये क्या हो रहा है क्यों ये क्या कर रही हो रानी क्या कर रही हो फट जाएगा भाई दोस्त मेरा सारा काम हो गया नहा लिया मेरे काम से खाली होते होते बिट्टू के पापा आ गए रानी झारा ले रही है बैग में क्या लेके आए हैं झोला में देख रही है क्या लेके आए हैं बैग में देख रही है उसके खाने वाला कुछ भी नहीं लाए लग रहा देखिए आपके पास आ रही है कितनी टाइम निकले थे वहाँ से कितनी टाइम निकले थे वहाँ से निकले थे 7:30 बढ़िया टाइम से आ गए जाम नहीं था ना दोस्तों सुबह जल्दी निकले थे जाम नहीं लगा आराम से आ गए तो अब जा रही हूँ दोस्तों सबसे पहले बनाऊंगी चाय पियेंगे उसके बाद फिर बनाऊंगी खाना चाय बनाए हैं क्यों चलिए हाथ मुँह धुल लीजिए चाय बना रही हूँ दोस्तों जा रही हूँ चाय बना लूँ क्योंकि ठंड लगी होगी बिट्टू के पापा को दोस्तों मैंने रख दिया चाय पकने के लिए पकेगी मेरी आराम से चाय और यहाँ पर बिट्टू पापा निकाल रहे हैं बैग और झोले से सामान क्या क्या लेके आए हैं ये क्या है बथुआ कितना छोटा छोटा है पत्ती पत्ती तोड़ दिए थे क्या होगा इतना सारा बथुआ बहुत हो जाता है खेतों में इतना चना का साग लाए हैं सारा सामान मेरी बहन के यहाँ का है इतना बड़ा बड़ा हो गया चना का साग अरे एक डलिया में नहीं आएगा बड़ी वो नहीं है बांस वाली डलिया बड़ी डलिया हो उसमें करेंगे क्या बांस वाली डलिया तुम क्या कर रही हो आगे आगे बची पड़ी है गन्ने लाए ये गन्ने कहाँ से अम्मा लाई थी किसी के यहाँ से लाई होंगी हटो दाल है अरहर की दाल है क्या को दाल लाए हे दाल नहीं अरे बाप रे लौकी मूंगफली मूंगफली है मूंगफली ये मूंगफली बड़ी जी के यहाँ से आई हुई है ना वो बोई थी ना और ये खड़ी मसूर ये अरहर की दाल ये देखिए दोस्तों जारी के बेर हैं जारी के बेर किसको किसको पता है जरूर बताइएगा मार खा जाओगी रानी एक ये लौकी अभी दो ठो लौकी ले आए ए नहीं सितानी ना करो ये देखिए दोस्तों क्या क्या मेरी बहन ने भिजाया है चने का साग है भथुआ है लौकी है मूंगफली है खड़ी मसूर है जारी के बेर हैं और अरहर की दाल है गन्ने हैं मेरी बहन की सास ने भिजाए गई होंगी कहीं वहाँ से लाई थी कल बता रही थी कि बहुआ के लिए मैं गन्ना लेके आई हूँ भिजा दूँगी जाएंगे मेन बिट्टू के पापा चने के साग की वजह से गए थे चना का साग बिट्टू के पापा को बहुत पसंद है इसलिए गए थे जहाँ शादी में गए थे वहाँ से पास पड़ रहा था
मेरी बहन का ससुराल चले गए, दूर होता तो कौन जाता है। दोस्तों बाजार का ना चना का साग इतना अच्छा नहीं बनता, लेके आओ उसको धोलो काटो तो स्वाद नहीं रह जाता है। घर की चीज़ घर ही की होती है। शाम की बनाई चना का साग अभी हाँ? अभी कहाँ बनाएंगे, अभी तो पराठा बना रही हूँ ना उसके आलू की, शाम की बना लेंगे। बहुत बिट्टू के पापा को चने का साग पसंद है। बिट्टू के पापा नहा रहे हैं, जा रही चाय छान पक गई है। पराठे बना लिए? हाँ बना लिए। क्योंकि जब तक तुमने जो पराठे बनाए मैंने तुम्हें चाकू ये सही कर दी, मुठिया टूट गई थी। सही हो गई? हाँ। क्या टूटा था? मुठिया सही हो गई। वाह मजबूत बना दी, दूसरी डाली है ना। चलो खाते हैं, नहीं ठंडा आ जाएंगे, टाइम भी हो गया ना। ठीक। क्या कर रहे हो? हलवा का काहे का हलवा? गाजर का बनाई थी ना। ठीक। पता जान के इतनी सड़ गई कि थोड़ी सी बची थी, मैंने बनाया तो हलवा बना लिया। ये भी कच्ची खा ही नहीं रहा था साल। ठीक। जा रही हो हैं? सो जाएंगे। दोस्तों मैंने और बिट्टू के पापा ने खाना खा लिया है। खाना खाने के बाद बिट्टू के पापा ऊपर गमले में भर रहे हैं मिट्टी कुंदरू की जड़ लगाने के लिए। बहन के यहाँ से लेके आए हैं, उनके यहाँ लगा हुआ था कुंदरू का पेड़ तो उन्होंने जड़ दिया है, तो बिट्टू के पापा गमले में लगाएंगे जड़। देसी कुंदरू की जड़ है। मेरी बहन बता रही थी बहुत फरता है, उन्होंने दे दिया है जड़, तो हम भी लगा दें। देखते हैं हमारे यहाँ उतनी ही बार मिट्टी डाली है ना, जिसमें खप्पड़ में रखी थी। हाँ। ज़्यादा ना डालिएगा, बढ़िया जितनी मिट्टी उतने गोबर की खाद रहेगी ना, तो जल्दी उगाएगा। कहाँ जा रही हो तुम? हाँ कहाँ जा रही हो? आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ, आओ डरो नहीं, आओ आ जाओ। पानी लाऊं बाल्टी में? ले कर्तव्य देखो। अरे अभी सुबह नहलाई हूँ, देख रहे हैं यही तो करती है, अब वहाँ जाएगी धूप में लौटने। टूटी थी ना बाल्टी? हाँ टूटी हुई है, तभी तो रख दिया था मैंने उठा के। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा गुलाब फूला है। क्यों? हाँ टूटी थी कि फूटी थी? नीचे से घिस के टूट गई है। अच्छा नीचे से बहती है? हाँ ठीक है, पानी भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहता रहेगा ना पानी। कैसे का पानी, पूरी जड़ गाप नहीं होंगी? धोला है ऐसी होती है जड़। देखते हैं हरेगा कि फूलता ही रहेगा, लग जाए बस, जड़ तो लग जाती है ना। नमी पानी वो रखा है बाल्टी में, डाले पानी थोड़ी सी डाल दीजिए। दे देना कूड़ा यार, कूड़ा वाले आ गए क्या? चले जाइए डाल के, मैं झाड़ू लगाऊंगी ना, एक कचड़ा पड़ा है अभी। पानी डाल दीजिए जितना डालना हो, चले जाइए तो दे देना कूड़ा। ठीक है? ठीक। ज़्यादा बहुत है? ठीक। नमी तो है? हाँ नहीं ठीक है, कल और डाल दीजिए। घूमो कर आई, चलो चलो नीचे चलो। ये रखी पन्नी भी यहीं पड़ी हुई, दोस्तों लगा दिया बिट्टू पापा ने कुंदरू की जड़। अब देखो कितने दिन में हरी होती है, लगती है कि नहीं, हमारे पेड़ सब हरे हैं। सुबह नहला है, लोट लाट के आ गए गधी कहीं की। कहाँ पापा, क्या हो गया है? क्या हो गया? अरे बहुत तेज लगती है ये,
दोस्तों ये लग गई है ढूंढने में, क्या कर रहा था तो लग गई, ऐसे लग गई, खाना लग खाके कटोरी रख रहा था यही से कर रहा था, फट से लग गई। मैं तो सोच रही बहुत तेज लग गया, दांत निकाल रहा है, जान निकल गई थी। दोस्तों सर स्कूल से आ गया, खाना खा लिया, देख रहा है टीवी, टीवी में क्या लगा है CID। तुम्हें सर CID क्यों इतना अच्छा लगता है? पता नहीं, मम्मी पापा क्या कह रहे हैं? अरे पापा बहुत सारा लेके आए सामान, भथुआ लाए हैं, चना का साग लाए, लौकी लाए हैं, मूँगफली लाए हैं, और मसूर लेके आए, खड़ी अरहर की दाल लाए हैं, बेर लाए, गन्ने लाए हैं। अरे रुक जाओ, हे भगवान, अभी खाना खाया है, थोड़ी देर में चूल्हे ना। अरे हे भगवान, वहाँ नहीं वहाँ नहीं, यहाँ गन्ना बैठ के यहाँ चूल्हो, पहले गन्ना चूल्हो फिर बाद में बेर खाना, बेर रखा वहीं, चींटी हो गई थी अभी, गन्ना जितनी चूना उतनी ले लो, वहीं रखा, चींटी हो गई थी। सारे खाऊंगा। नहीं सारे नहीं, नुकसान करेंगे, जुखाम ना हो जाए, आदत नहीं है ना साहिल चूने की गन्ना, तुम्हारे लिए तो है और कोई तो है नहीं है, मैं तो चूंगी नहीं क्योंकि मेरे पड़ जाते हैं छाले, यहीं बैठ के चू लो। ये देखिए ये दांत मजबूत नहीं है। अरे मेरे दांत मजबूत है, मैं चूकती नहीं, छाले हो जाते हैं ना, चू लो फिर सारा छिक्कल, पन्नी धोई तो पन्नी में भर के डस्टबिन में डाल देना ना। साहिल मैं बेर खा रही हूँ। मतलब बहुत दांत मजबूत है। कौन से मंजन से ब्रश करते हो? दंत मंजन, डाबर लाल दंत मंजन, तभी मजबूत है। क्या कर रहा है? गंदगी नहीं फैलाने का, उतने में पानी डाल के मैं साफ कर दूंगी वाइपर से। चूलो बस इतने चूना, एक ये वाला और एक चूरा है जो है ना, छूना कल चू लेना वो वाले, हाँ वो वाले अब कल खाना। गाँव में कहो कर गन्ना चू लिया, पोड़ा आए सर, गाँव में पोड़ा बोलो करत, पोड़ा चू लिया। मम्मी मम्मी, हाँ पापा, पापा चने साग की वजह से हम उसी के यहाँ गए थे। हाँ चना का साग, देखो आप तो खाओगे नहीं गन्ना, मेरे को खाने पड़ेंगे, पापा अभी पापा के दांत टूट जाएंगे अगर खाएंगे। पापा छूते नहीं गन्ना, मेरे को सारे गन्ना खाने पड़ेंगे, अब भैया होता सब खा जाता। सब ना खाता, दो खाता दो तुम, मैं एक गन्ना होगा पापा कटवा के लाए होंगे, एक गन्ना के छोटे छोटे टुकड़े करके दादी दी है। अरे बस 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 बस, दांत में टूट जाए आराम से। जल्दी जल्दी नहीं, पता चले जल्दी जल्दी के चक्कर में दांत निकाल दे। क्लास का है तो रखे हो? क्लास ही से इसको फाड़ा है, कट नहीं रहा है। दोस्तों साल को मजा आ गई, गन्ना खा के मजा आए कि नहीं? आ गई दोस्तों, ये गन्ना खाता रहेगा, मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ और जा रही हूँ, थोड़ी देर लेट होंगी क्योंकि मैं उठती हूँ 4 बजे, खाना खाया है तो लगी है मुझे नींद, इसको कल खाऊंगा आराम। रोज रोज एक एक दिन दवा खानी पड़ती है ना, एक एक खाऊंगी इसको इतना इतना करके। तो दोस्तों वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय सर, बाय बाय, नमस्ते, खाते रहो तुम गन्ना, मैं जा रही हूँ, बाय बाय बाय, ज्यादा ना खाना की जुकाम हो जाए, सब लोग बोट हम ही को देना। हाँ देंगे तुम्हें बोट।